मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आपने मलाई से घी तो बहुत सी बार बनाया होगा, लेकिन शायद कुछ ही लोगों ने मलाई से पनीर भी बनाया होगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध की मलाई से पनीर प्लस घी बनाने की रेसिपी। जी हाँ, हम यहाँ इसी दूध की मलाई से पनीर प्लस घी दोनों बनाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैंने ली है 10 से 12 दिन की दूध की मलाई, जिसे कि मैंने डीप फ्रीज से लगभग 2 घंटे पहले ही बाहर निकाल लिया था। सबसे पहले हम इस मलाई को धीमे गैस पर गर्म करेंगे। मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है और मलाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि हमारी मलाई जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, इसमें एक बॉयल ना आ जाए। देखिए दोस्तों, हमारी मलाई में बॉईल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नींबू का रस। हमें नींबू का रस एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें नींबू का रस डालना है। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हिलाना है। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ नींबू का रस भी डाल देंगे और इसे हल्के हाथ से हिलाएंगे जब तक कि हमारा छेना सेपरेट ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारी मलाई जो है वो अच्छे से फट चुकी है। हमारी मलाई के अंदर से छेना सेपरेट हो चुका है। अब हम हमारी मलाई को छान लेंगे और इससे छेना अलग कर लेंगे। छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक साफ बर्तन लिया है, उसके ऊपर मैंने एक छलनी रखी है। छलनी के ऊपर अब मैं एक सूती कपड़ा बिछाऊंगी, फिर उसके अंदर हम हमारी मलाई डालेंगे और उससे छेना अलग करेंगे, उसे छान लेंगे। मैंने मलाई को छलनी के अंदर डाल दिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से हिलाएंगे। इसके अंदर से अब हम छेने और घी को अलग करेंगे। अब हम हमारे नैपकिन के चारों कोने पकड़ेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। हमें इसे अच्छे से निचोड़ना है क्योंकि इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो वेस्टेज नहीं है, वो हमारा घी है। देखिए, मैंने छेने को अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमारे पास जो ये घी बना है वो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। मैंने गैस पर वही कढ़ाई वापस गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इस अधूरे बने हुए घी को इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। इस घी को बनने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा। हाइयर 10 से 12 मिनट में हमारा घी बनकर रेडी हो जाएगा। वापस इसी बर्तन के ऊपर हम हमारी छलनी को रखेंगे और हमारे इस छेने को हम अच्छे साफ पानी से धो लेंगे। एक तरफ हमारा घी बन रहा है, एक तरफ हम हमारे पनीर की तैयारी करते हैं। यहाँ हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। देखिए, हम हमारे छेने को अच्छी तरह साफ पानी से धो लेंगे ताकि इसका जो भी खट्टापन है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से हमें इसे नहीं धोना है,
हल्के हल्के हाथों से इसे धोना है, वरना हमारा पनीर जो है वो बहुत ही हार्ड बनेगा। इसे 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेना है। मैंने यहाँ पर पनीर को सेट करने के लिए 2 प्लेट्स ली हैं, एक बड़ी प्लेट ली है, उसके ऊपर मैंने छोटी प्लेट ली है उसको इसके ऊपर उल्टा रख दिया है। इसके ऊपर हम रखेंगे हमारा पनीर ताकि इसके अंदर जो भी एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा। इसके ऊपर हम कोई वज़न रख देंगे ताकि हमारा जो पनीर है अच्छे से सेट हो जाए। और हमारे पनीर को सेट होने में हाईएस्ट 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। आपके पास जो भी भारी चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अब हम वापस आ गए हैं हमारे घी की तरफ। अब हम गैस का फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर देंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे जब तक कि हमारा पनीर सेट हो रहा है। हाई फ्लेम पर हमारे घी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। लगभग 5 मिनट और लगेंगे और हमारा घी जो है बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा घी जो है सेपरेट होने लगा है। देखिए दोस्तों, हमारा घी का कलर जो है वो डार्क हो गया है, काफ़ी अच्छा कलर आया है हमारे घी का। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। हमारा घी जो है वो पूरी तरह से बन चुका है, हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है वरना ये जल जाएगा। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे छान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा घी जो है वो ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक लेयर आ गई है। अब हम हमारे घी को जो है छान लेंगे। दोस्तों, मैंने घी को जो है वो छान लिया है। इसमें जो ये वेस्टेज मटेरियल निकला है अब इसको हम फेंक देंगे। आप देख सकते हैं हमारा कितनी क्वांटिटी में है जो वो घी निकला है। ये लगभग 200 से 250 ग्राम घी है। देखिए दोस्तों, अब हम हमारे पनीर को चेक कर लेते हैं कि हमारा पनीर जो है वो अच्छे से सेट हुआ या नहीं। इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा था। इसमें इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए हमारा पनीर जो है कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 10 से 12 दिन की दूध की मलाई से कितना शानदार घी और पनीर बनकर रेडी हुआ है। ये लगभग 250 ग्राम घी है और इसी दूध की मलाई से लगभग 200 ग्राम पनीर बनकर रेडी हुआ है। सुबह तक हमारा घी जो है वो अच्छा दानेदार हो जाएगा। अगर आपको मलाई से घी और पनीर बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।